हाँ दोस्तों, मैं वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आऊँ कहाँ, मालवीय नगर, और मेरे बिल्कुल बैक साइड आप देख सकते हो यह है बाबा का ढाबा। तो दोस्तों चलते हैं कहाँ, आगे की तरफ और देखते हैं आगे का नज़ारा। इस समय जो सिचुएशन है वो कैसी है आज हम देखेंगे, और जो बाबा जी हैं और जो माता जी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और जिन्होंने पहली वीडियो बनाई थी गौरव भैया उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कहाँ, बाबा के ढाबा पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो बाबा जी हैं और माता जी गौरव सर को दे रहे हैं आशीर्वाद, और आप देख सकते हो इनकी जो शॉप है टोटली चेंज हो चुकी है। आपको यहाँ पे अब रश देखने को मिलेगा। इससे पहले जो कंडीशन थी वो ये थी कि ये शॉप सुनसान हुआ करती थी, और जो बाबा जी हैं इनकी जो उम्र है वो 80 साल के लगभग है। तो दोस्तों मेरे साथ गौरव भैया हैं। तो गौरव भैया, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आपको जो आइडिया ये वाला आंटी जी का, बाबा जी का, वो आपको कैसे आया? भाई ऐसे ही निकल रहा था तो देखा तो दो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, दो बुजुर्ग दंपत्ति बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो दिल को बड़ा तकलीफ हुई। देखा कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं इस उम्र में भी, तो मेरे को लगा कुछ करना चाहिए, तो बस फ़ोन निकाला और इनकी वीडियो बना डाली, और वीडियो का परिणाम आज आप सबके सामने है। तो गौरव भैया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इन फ्यूचर आप किस किस टाइप के लोगों की हेल्प करना चाहते हो? भाई किसी की भी हेल्प करना चाहेंगे। देखो मैं सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी भेदभाव में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि जो भी इंसान जिसको मेरी ज़रूरत हो कहीं पर भी इंडिया में, कहीं पर भी ज़रूरत हो, तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज भेज सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पे भेज सकते हैं। तो मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है भाई वो यूट्यूब स्वाद ऑफिशियल है, और आप मेरे को यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं स्वाद ऑफिशियल के नाम से। वहाँ पे भी आप मेरे को कमेंट में भेज सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा आपको। और यही कोशिश करूँगा कि ऐसे बहुत सारे बाबा के ढाबा हैं पूरी दुनिया में, हम इन सबकी मदद कर पाएँ भाई। तो मैं आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को क्या मतलब मैसेज देना चाहते हो और क्या कहना चाहते हो जो ये वीडियो देख रहे हैं? भाई यही बोलना चाहता हूँ कि हिम्मत मत हारो, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और वो अपॉर्चुनिटी को प्लीज़ आप गैस्पर करने की कोशिश करो, ताकि आपको जो वो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको आप अच्छे से निभा पाओ। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत का फल कभी भी ऐसा नहीं है कि खाली जाता है, और बहुत मीठा होता है जो मेहनत करके फल पाता है। तो मेहनत करते रहो भाई, लगन से कोशिश करते रहो, मिल जाएगा भाई जो चाहिए। आप देख सकते हो ये अम्मा, अम्मा जी आपका नाम क्या है? बदामी देवी। इनका नाम है बदामी देवी। तो अम्मा जी आपको अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और जो अभी हेल्प है वो हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही। तो पहले सिचुएशन क्या थी? पहले कुछ नहीं होते रहा। और लॉकडाउन से पहले भी सिचुएशन ऐसी थी? उससे पहले थोड़ा आता रहा, फिर उसको जो लॉकडाउन लगा तो फिर 2 महीना बंद कर दिए। 2 महीने के बाद फिर खोला था, थोड़ा बहुत चला, तो फिर उसके बाद एकदम डाउन, बिल्कुल बंद हो गया। तो अभी आपने मॉर्निंग में जो सुबह के टाइम आपने कितने बजे इसको ओपन किया था? ये सुबह के टाइम में हमें 6 बजे। और ये जो आपका खाना है वो कितने बजे तक फिनिश हो गया? ये 2:30-3 बजे। तो दोस्तों आप देख सकते हो न्यूज़ वाले आए हुए हैं और बाबा जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। बाबा जी अपने घर के लिए निकल रहे थे क्योंकि आज वो अनवेल फील कर रहे हैं। मोस्टली वो 6 बजे के आसपास जाते हैं, लेकिन आज वो जाएंगे 4 बजे, बिकॉज उनकी जो तबीयत है थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, उसकी वजह से आज ये जल्दी अपने घर के लिए निकल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो बाबा जी और माता जी दोनों निकल चुके हैं अपने दुकान से और जा रहे हैं कहाँ की तरफ, घर की तरफ। मोस्टली ये जाते हैं 6 बजे के आसपास, लेकिन आज इनकी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आज वो जा रहे हैं 4 बजे के आसपास, और इनके लिए मंगाया गया है ऑटो, और इसी ऑटो में ये जाएंगे अपने घर की तरफ।
अभी आप देख सकते हो बंद होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत आपको रश देखने को मिलेगा। और आप मेरे बिल्कुल इस तरफ देख सकते हो, जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो अभी भी कवरेज कर रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार न्यूज़ वाले यहाँ पे आ रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो आप अपने एरिया में अगर किसी भी प्रकार से इस टाइप के अगर आपको बाबा दिखते हैं तो आप वहाँ पे भी हेल्प कर सकते हो, आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपसे बन सके आप ज़रूर हेल्प करें। जो बाबा जी हैं उनके जो लड़के हैं मेरे साथ अभी हैं, सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। सर जो आपका नाम है वो क्या है? आज़ाद हिंद नाम है इनका। जो नाम है वो आज़ाद हिंद, जैसा कि आप नाम जो है सुन सकते हो कितना अच्छा नाम है आज़ाद हिंद। तो आप बेसिकली यहाँ पे आते हो या अभी आए हो फिलहाल? नहीं, बेसिकली आते हैं बट फिलहाल लॉकडाउन से पहले जॉब करता था तो अच्छा। लॉकडाउन में जॉब ऑफिस था जो वो खाली हो गया तो जॉब मेरे पास नहीं थी। अच्छा, मतलब तो आपकी जो जॉब थी वो चली गई थी कोरोना की वजह से? हाँ, कोरोना की वजह से चली गई थी। अच्छा, तो बेसिकली आप क्या जॉब करते थे? ऑफिस बॉय। अच्छा, ऑफिस बॉय थे जी। कहाँ पे? शिवालिक मालवीय नगर। ओके, तो अभी जो कंडीशन है वो कैसी है? पहले से कंडीशन बहुत ही अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। ओके, और जो हेल्प है वो अभी भी मिल रही है आपको? वो अभी भी हेल्प मिल रही है और आगे भी मिलती ही रहे। मॉर्निंग में आपने इसको कितने बजे ओपन किया था? सुबह 6 बजे, 6 AM। ओके, और जो ये आपका काउंटर वो कितने बजे ओपन हुआ था? ओपन तो 6 बजे हो गया था। मतलब ये आपने खाना प्रोवाइड करना 6 बजे शुरू कर दिया था? ओपन 6 बजे हो गया था बट कंप्लीट जो सामान रेडी आपका 9-10 बजे रेडी हो गया था। अच्छा, मतलब 9-10 बजे आप जो खाना है वो बेसिकली प्रोवाइड करवा रहे थे। तो ये जो आपका खाना है वो कितने बजे तक आज फिनिश हो गया? आज फिनिश हमारा खाना 12-1 बजे तक हो गया। मतलब बहुत जल्दी हो गया। और उससे पहले जो सिचुएशन थी वो क्या थी? उससे पहले बहुत ही बेकार कंडीशन थी ये लॉकडाउन में, और लॉकडाउन से पहले तो थी बट लॉकडाउन में तो बिल्कुल बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई थी। बट ये जब से कुछ 5 दिन से कुछ अच्छा हुआ है, जो हमारे जो गौरव जी हैं एक उनकी हेल्प मिली है। जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है खाने में वो क्या है? मटर पनीर। लॉकडाउन से पहले जो शॉप थी वो अपनी कितने बजे बंद कर देते हैं? वो 6-7 बजे बंद कर देते थे हम लोग। तो अभी फिलहाल जो आपकी शॉप है वो मतलब 2 बजे के आसपास क्लोज हो जाती है? हाँ, क्लोज हो जाती है, सब कुछ फिनिश हो जाता है। लॉकडाउन में हमारे जो 1 किलो आटा या 2 किलो आटा निकलना और सब्जी बहुत निकलना बड़ा मुश्किल होता था जी। आज जो हमारा जो खाना अच्छी तरह से निकल जा रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इस समय इनकी जो शॉप है वो हो चुकी है क्लोज, और अंदर की जो कंडीशन है वो इस टाइप की है। पहले यहाँ की जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, बट अभी जो आप कंडीशन देख रहे हो काफ़ी सुधार आ चुका है पहले के मुकाबले। आप देख सकते हो कितना छोटा सा काउंटर है और कितनी मेहनत करते थे। और लॉकडाउन से पहले जो इनकी सिचुएशन थी वो ये थी कि ये सुबह 6 बजे आते थे और शाम को 7 बजे अपने घर जाया करते थे, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। सुबह 6 बजे आते हैं और 9 बजे अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देते हैं, और इनका जो खाना है वो 2 बजे के आसपास फिनिश हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये इनका गैस जिसके ऊपर ये अपना जो खाना है वो बनाते हैं, और इनके यहाँ सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है वो है मटर पनीर। तो दोस्तों मेरे साथ एक और शख्सियत है, सबसे पहले इनका जानेंगे नाम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूरण चंद है। इनका नाम पूरण चंद है, और ये जो स्टॉल है मैं भी आप ही के सामने ये स्टॉल इनको तय बाजार से भी अलर्ट हुआ था। अच्छा। तब से मेरी ड्यूटी भी यहीं पर है। ओके। मैं यहाँ MTNL में लाइनमैन हूँ यहाँ पर। ओके। और अभी मैंने VRS लिया है MTNL से। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी के थ्रू। ओके। तो जिस दिन से अलर्ट हुआ है उस दिन से मैं इनको देख रहा हूँ। बेचारे तभी से परेशान थे, ना तो इनका काम चलता था ना कुछ, 2-4, 10-20 चाय मुश्किल से दिन भर में इनकी बिकती होगी। ओके। मगर भगवान ने सुना तो इस उम्र में आकर के इनको परमात्मा ने बहुत कुछ दे दिया। तो मतलब ये है कि ये सुबह से शाम तक अपना जो टाइम है यही स्पेंड करते थे, और 2-3 जो चाय कप है वो बस 10-20 चाय अगर आस पास में, बस ये टैक्सी स्टैंड है कुछ चाय इधर कुछ, 2-4 यहाँ स्टाफ आता है कॉरपोरेशन का वो पी लेते हैं बस, और थोड़े से छोटे से पतीले में सब्जी बनाते हैं। okay. तो थोड़ी सी गैस में रोटी बना करके बस काम चल रहा था, यानी काम चल भी नहीं रहा था। okay. परेशान तो थे ये, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो भगवान ने सुना और इतने मदद के लिए इतने लोगों के हाथ आगे आए इनके लिए। तो आप क्या कहना चाहते हो जो हमारी आम जनता जो व्यूवर्स है जो देख रही है इस वीडियो को, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? कि जो काम करने में असमर्थ हैं, जो शारीरिक मेहनत नहीं कर सकते, उनकी मदद हेल्प करनी चाहिए। ओके ओके, तो इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि दोस्तों आप देख चुके हो मैंने ले लिया इंटरव्यू और चल रहा हूँ कहाँ, अपने घर की तरफ निकलूँगा। यहाँ से पकड़ूंगा मेट्रो, देन आफ्टर चलूँगा
अपने घर की तरफ।